क्वेश्चन एट देखे, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें फंक्शन क्या गिवन है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई इक्वल वन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके बोथ साइड। तो यहां पर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन स्केयर x प्लस d अपॉन डी एक्स कोस स्केयर y इक्वल d अपॉन डी एक्स वन, ओके। पहले यहाँ पर पावर है तो पावर सोल्व होगी, पहले पावर सोल्व होगी तो पावर टू है यहाँ पर तो टू आगे आ जाएगा और साइन एक्स, फिर हमें डेरिवेटिव किसका, पहले पावर सोल्व किया हमने, फिर हमें डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का। इसी प्रकार यहाँ पर पहले कोस स्क्वायर वाई है तो पहले पावर सोल्व होगी तो पावर आगे आ जाएगी, टू आगे आ जाएगा, टू कोस वाई और टू में से वन माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर कोस वाई टू माइनस वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी टू माइनस वन, ओके। और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, कोस वाई का, और इक्वल वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, कोस टेन है वन, ओके। यहाँ पर टू साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन, सॉरी साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ओके। यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस यहाँ पर टू कोस वाई एज इट इज, और कोस वाई का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर, फिर एक्स का हमने पहले यहाँ पर पावर सोल्व की तो टू साइन एक्स आगे आ गया, फिर हमने डेरिवेटिव किया साइन एक्स का, और फिर हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये कोस एक्स हो गया। अभी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, अभी लिख दिया है, टू कोश और कोश वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, वाई का, डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल जीरो। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, साथ ही साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। यहाँ पर जो फॉर्मूला ये यूज होगा वहाँ पर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू साइन एक्स कोस एक्स, तो इसकी जगह एक्स, थीटा की जगह एक्स है तो इसको हम शॉर्ट में साइन टू एक्स लिख सकते हैं, तो साइन टू एक्स प्लस यहाँ पर देखिए टू कोश वाई और साइन वाई, माइनस के साइन है, ये माइनस का साइन है तो इसे मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इसे साइन टू वाई लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव है तो डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है वन, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, या लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके इक्वल जीरो। अभी हमें वैल्यू तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फाइंड करनी है, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इस साइड ले आता हूँ, राइट हैंड साइड, ओके। साइन टू एक्स इक्वल ये माइनस का है तो उस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, साइन टू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इस साइड में डिवाइड में ले आते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की हमारी क्या वैल्यू होगी, साइन टू एक्स डिवाइड बाय साइन टू वाई, यही हमारा आंसर है।